तो दोस्तों अभी हम लोग हैं मितावली में। मितावली जो कि अपनी 64 योगिनी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। मितावली मध्य प्रदेश के मुरैना शहर में स्थित है और मुरैना से लगभग 35 किलोमीटर दूरी पर है। तो दोस्तों जो आप हमारे पीछे गेट देख पा रहे हैं ये 64 योगिनी माता मंदिर जाने का मुख्य द्वार है। यहीं से होकर 64 योगिनी माता मंदिर को जाया जाता है। तो चलिए अब हम चलते हैं 64 योगिनी माता मंदिर के दर्शन करने के लिए। चौसठ योगिनी माता का मंदिर एक ऊंचे पहाड़ के ऊपर स्थित है। जो आप हमारे पीछे पहाड़ देख पा रहे हैं इसी पहाड़ के ऊपर ही 64 योगिनी माता का मंदिर स्थित है। तो चलिए अब हम आपको 64 योगिनी माता मंदिर के दर्शन करवाते हैं। 64 योगिनी माता मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको लगभग 200 सीढ़ियां चढ़नी होती हैं। आप जैसे जैसे सीढ़ियां चढ़ते जाएंगे आपको चारों ओर के सुंदर नज़ारे दिखाई देते जाएंगे, जिनमें दूर तक फैले हुए खेत, पहाड़, जंगल और नदियाँ शामिल हैं। जो आप हमारे पीछे गोलाकार भवन देख पा रहे हैं यही 64 योगिनी माता का मंदिर है, जो कि बाहर से एकदम सर्कुलर दिखता है। तो चलिए अब हम आपको अंदर से दिखाते हैं कि अंदर से ये 64 योगिनी माता का मंदिर कैसा दिखाई पड़ता है। तो आप जो हमारे पीछे गेट देख पा रहे हैं ये 64 योगिनी माता मंदिर के अंदर जाने का मुख्य द्वार है। यहीं से होकर मंदिर में प्रवेश किया जाता है। तो चलिए अब हम आपको अंदर से 64 योगिनी माता मंदिर के दर्शन करवाते हैं। तो दोस्तों जैसे ही आप 64 योगिनी माता मंदिर के अंदर आते हैं आपको मंदिर के बीचों बीच एक मंडप दिखाई पड़ता है। ये मंडप कई स्तंभों से मिलकर बना है जो कि शिव जी का मंदिर है। इस मंडप के गर्भगृह में शिव जी की एक प्रतिमा स्थापित है। दोस्तों भारत मंदिरों का देश कहा जाता है। यहाँ पर कई चमत्कारिक और प्राचीन मंदिर बने हुए हैं, जिनमें से एक है ये 64 योगिनी माता का मंदिर। इस मंदिर की डिजाइन वृत्ताकार है और यहाँ पर 64 कमरे बने हुए हैं। सभी कमरों में भगवान शंकर की प्रतिमा स्थापित है। ये मंदिर एक उड़ंत अस्थिरी की तरह दिखाई पड़ती है, पूरी गोलाकार। दोस्तों भारत में गोलाकार मंदिरों की संख्या बहुत कम है, जिनमें से एक है ये 64 योगिनी माता का मंदिर। ये पूरा गोलाकार है। इस मंदिर की बाहरी त्रिज्या लगभग 170 मीटर है। चौसठ योगिनी माता का ये मंदिर अपने तंत्र मंत्र विज्ञान के लिए बहुत विख्यात है। कहा जाता है कि तांत्रिक यहाँ पे आके अपनी सिद्धि प्राप्त करते हैं। और बड़े बड़े तांत्रिक इस स्थान को तंत्र विद्या की यूनिवर्सिटी भी कहते हैं। दोस्तों ये मंदिर तंत्र मंत्र की शिक्षा के लिए देश विदेश में प्रसिद्ध था। इस कारण हर साल यहाँ पर लाखों की तादाद में तांत्रिक तंत्र विद्या की शिक्षा लेने के लिए आया करते थे।
ये मंदिर लगभग 700 साल पुराना है। कहा जाता है भारत का संसद भवन इसी मंदिर से प्रेरित होकर बनाया गया है। ये 64 योगिनी माता का मंदिर एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है, जहां पर लगभग 200 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। यदि आप लोग 64 योगिनी माता मंदिर पर आ रहे हैं तो साथ में पानी की बोतल जरूर रखें। चौसठ योगिनी माता मंदिर में ऐसे छोटे छोटे 64 कमरे बने हुए हैं, जहां पर 64 शिवलिंग स्थापित है। पर आज के समय कुछ कमरों में शिवलिंग स्थापित नहीं है। आज के समय भी इस मंदिर में तांत्रिकों द्वारा तंत्र विद्या का ज्ञान लिया जाता है। चौसठ योगिनी माता के इस मंदिर में आज के समय भी तांत्रिक आकर तंत्र साधनाएं करते हैं, तंत्र मंत्र की शिक्षा लेते हैं और तांत्रिक यहां पर आकर अपने मंत्रों को सिद्ध करते हैं। दोस्तों, यदि आप लोग मुरैना या आसपास कहीं घूमने आते हैं तो 64 योगिनी माता का मंदिर देखने जरूर आए। ये एक सिद्ध स्थान है, यहाँ पर आपको आकर बहुत आनंद आएगा और साथ साथ भगवान शंकर के आपको दर्शन भी होंगे। तो यदि आप लोग आसपास मुरैना के आते हैं तो यहाँ पर जरूर आए। इस मंदिर के अंदर वर्षा का जल इकट्ठा ना होने पाए, इस कारण मंदिर में कई मोटी और चौड़ी नालियां बनाई गई हैं। वर्षा का जल इन नालियों से होते हुए बाहर निकल जाता है। ईस्वी में प्राप्त अभिलेख के अनुसार 64 योगिनी माता का यह मंदिर कच्छप राजा देवपाल के द्वारा बनवाया गया था। कहा जाता है कि यह मंदिर सूर्य के गोचर के आधार पर ज्योतिष और गणित में शिक्षा प्रदान करने का भी स्थान था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इस मंदिर को 1951 के अधिनियम के तहत एक प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक घोषित किया है। मुरैना स्थित इस 64 योगिनी माता मंदिर को 1800 महादेव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर का नामकरण मंदिर में स्थित हर कक्ष में शिवलिंग की उपस्थिति के कारण किया गया है। इस 64 योगिनी माता मंदिर को ऐसा बनाया गया है कि इस पर कई भूकंप के झटके झेलने के बाद भी यह मंदिर आज के समय भी बहुत सुरक्षित है। चौसठ योगिनी माता का यह मंदिर चूंकि एक पहाड़ के ऊपर स्थित है तो मंदिर से पूरे मीतावली गांव के आसपास के सुंदर नज़ारे देखे जा सकते हैं। दोस्तों, यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।